हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पप्पी कुकिंग चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ चिकन चंगेजी की रेसिपी, वो भी एकदम ढाबा स्टाइल में। खाने में इतना टेस्टी और इतना चटपटा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा दोस्तों कि आप ये घर बनाए या किसी ढाबा या होटल से लेकर आया, इतना टेस्टी बनता है। और साथ साथ आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे जिससे आपका टेस्ट एकदम ढाबा जैसा आए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये 2 किलो बोनलेस है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिए। अब कर लेते हैं इसके मैरिनेट। 2 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, आधा चम्मच डाल देंगे भुना हुआ जीरा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा एक चुटकी डाल देंगे रेड वाली जो फूड कलर है लाल वाले। 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये है मेरे पास 1 किलो देसी टमाटर, आप कोई भी टमाटर यूज कर सकते हैं। 800 ग्राम के आसपास प्याज है दोस्तों। अब इनको कटिंग कर लेंगे, लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे इस तरह से। सारे प्याज को इसी तरह से लंबे लंबे लच्छे में काट लेंगे। टमाटर को भी इसी तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे दोस्तों। बाकी बचे टमाटर को भी इसी तरह से काट लेंगे। अब रख लेते एक पैन मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब उस पर हम डालेंगे 6 चम्मच तेल। मैं ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा हूं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। हल्का सा तेल गर्म होने देंगे। अब इस पर हम डालेंगे 3 सूखे लाल मिर्च, साथ साथ डाल देंगे कटे हुए प्याज। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 मिनट सोटे कर लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होने देंगे। इस टाइम हल्दी नमक कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्का सा प्याज को सॉफ्ट करना है। उससे ये होगा, जो प्याज का एक मिठास होता है दोस्तों, वो हमारा चिकन में बरकरार रहेगा। ये हमारा प्याज हल्का सा सोटे हो चुका है। अब इस पर हम डाल देंगे टमाटर, साथ साथ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, फिर इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ताकि अच्छी तरह ये टमाटर और प्याज गल जाए। 5 मिनट के बाद एक बार ढक्कन फिर से हटा लेंगे, फिर से इसको ऊपर चलाते हुए चेक कर लेंगे। टमाटर देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको ठंडा होने देंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब फिर से रख लेंगे वही पैन मीडियम टू हाई फ्लेम पर, फिर से डालेंगे 6 चम्मच तेल। मैं ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा हूं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म होने देंगे। अब इस पर हम डाल देंगे चिकन वाले पीस। अब इसको हम सेलो फ्राई कर लेंगे, जितने एक बार में आएगा उतना हम डाल देंगे। अच्छे से एक बार चला लेंगे इसको। इसको उलटते पलटते 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। सेलो फ्राई, हल्का से कोटिंग आ जाए। ये देखिए बीच बीच में इसको हम ऐसे पलट देंगे और 10 से 12 मिनट लगेगा इसको सेलो फ्राई होने में। ये देख सकते हैं हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो चुका है। हमें एकदम बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, बस सेलो फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी बचे चिकन को भी इसी तरह से हम फ्राई
फ्राई कर लेंगे, फिर रख लेंगे कढ़ाई मीडियम टू हाई फ्लेम पर। चार चम्मच डाल देंगे तेल, साथ साथ डालेंगे चार चम्मच घी। घी जरूर डालें दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे चार चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच डाल देंगे तंदूरी मसाला, आप चाहे तो चिकन मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसको एक मिनट अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे इसी तरीके से। यह हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब इस पर हम डाल देंगे प्याज और टमाटर वाली जो प्यूरी हमने मसाला तैयार किए थे, मैं इसको छाना नहीं हूं ऐसे ही डाला हूं, आप चाहे तो छान भी सकते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट लिया हूं तो छानने की जरूरत नहीं है, टमाटर के छिलका मुंह में बिल्कुल नहीं आएंगे, आप चाहे तो छान भी सकते हैं। फिर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मसाले के साथ मैंने नमक इसलिए नहीं डाला था वो जल जाएंगे, इसलिए अब मैं डाल रहा हूँ प्यूरी के ऊपर से। अब अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेना है। फिर से अच्छी तरह मिक्स हो चुका है ये। अब इस पर हम डालेंगे फ्राई किया हुआ हमारा चिकन। जब भी आप इस सब्जी को बनाते हुए चलाएंगे दोस्तों, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, गैस को बिल्कुल लो कर दिया करें, नहीं तो ये छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। तो जब भी आप उसको चलाएं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो और बिल्कुल कम पे रखें। अच्छे से चलाते इसको मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इस पर हम डालेंगे दो ग्लास स्टील वाले जो ग्लास है, दो ग्लास भर के पानी। अब अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज्यादा रख सकते हैं, मुझे मसाले वाली बनाना है, ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। अब गैस को फ्लेम हाई कर देंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 15 से 16 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी मेन जो फ्लेवर बता रहे थे सीक्रेट चटनी, वो हम बना के तैयार कर लेते हैं। 10 से 12 डालेंगे पुदीना के पत्ते, चार चम्मच के आसपास डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, चार चम्मच डाल देंगे दही, दही थोड़ा सा खट्टा हो तो और ज्यादा अच्छा बनेगा ये चटनी। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरह, ये देखिए। अब चलते चिकन के पास, देख लेते हमारा चिकन भी होया कि नहीं। 15-16 मिनट इसको हमने ढक के रख दिए थे। चिकन को मसाला के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, तेल कितना बढ़िया निकल कर आया, अपने अब तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको एक बार हम चला लेते हैं। आप एक बार चेक भी कर लेते हैं चिकन अच्छे से गला हुआ कि नहीं है। चिकन हमारा पहले से सेलो फ्राई किया हुआ था तो ज्यादा टाइम नहीं लगना था दोस्तों, 15-16 मिनट बहुत है। ये आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये टूट रहा है, चिकन हमारा बिल्कुल बनके तैयार है, अच्छी तरह गल चुका है। अब इस पर हम डालेंगे ये चटनी जो हमने बनाए थे, आप इस चटनी को जरूर बनाइए और इस तरीके से बना के चिकन चंगेज़ों को बनाइए, एकदम ढाबा जैसा टेस्ट आएगा दोस्तों, आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप होटल या ढाबा से मंगाए या खुद ही घर बनाए, गैस को कर देंगे बंद, गैस बंद करके ही चटनी डाला था मैंने। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। वीडियो अच्छा पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ये अब इसको हम ठंडा होने देते हैं कुछ देर के लिए। ठंडा होने के बाद इसका कलर आप और भी ज्यादा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर निकल कर आया, एकदम ढावा स्टाइल। अब इस पर हम डालेंगे अदरक, लच्छे लच्छे में काट लिए, एक टुकड़ा अदरक का है। साथ साथ डाल देंगे हम इस पर 3 हरी मिर्च, हरी मिर्च का बीज मैंने जितना हो सकता है निकाल दिया है था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रख के ख्याल रख के, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।